जय श्री माता जी। सभी सुनने वाले को मेरा प्रणाम नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही श्री माता जी को दिल से याद किया तो उन्होंने मुझे याद किया आपके समक्ष आने के लिए। कुछ ऐसा है आशीर्वाद उनका मेरे ऊपर कि जब कभी मैं दिल से सोचता हूँ तो मेरी हाजिरी लग जाती है। '85 में मेरी एक दर्शन की अभिलाषा थी श्री माता जी से, लेकिन नहीं हो पाई। और 99 में निजामुद्दीन के पास जहाँ उत्सव होता है उसमें श्री माता जी का आशीर्वाद मिला मुझे। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, अभी तक सेवा कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। एक माँ का एक बहुत अच्छी भाव में बता रहा हूँ आपको, एल की भाव है। मैं लॉस एंजलिस में बुलाया श्री माता जी ने, वहाँ माइनस पता नहीं कितना था तो मुझे बोली, बेटा गर्म कपड़े लाए हो ना। मैंने कहा जी गर्म कपड़े पहनना है, यहाँ की ठंड अलग है। तो माँ जैसा प्यार देना, आशीर्वाद देना उनको मालूम था। मैं जब भी कभी कबेला या कभी भी कहीं भी बजाता हूँ तो मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे पर बना हुआ है, मेरे बच्चों पे, मेरी फैमिली पे। तो आज मैं उनके चरणों में आप लोगों को राग मुल्तानी सुना रहा हूँ। एक्चुअली 3:30 बजे का समय एक ऐसा होता है हिंदुस्तानी रागों का कि बहुत कम राग होते हैं इस टाइम। 2 से 5 के बीच में बहुत कम राग होते हैं, और मुल्तानी बहुत खूबसूरत राग है, मैं सुना रहा हूँ। मेरे साथ तबला उस्ताद अथर हुसैन खान साहब ने बजाई है, और मेरे साथ मेरे बेटे, सबसे छोटे बेटे रितेश प्रसन्ना भी साथ में संगत करेंगे। आप सब हमें आशीर्वाद दें श्री माता जी को नाम लेते हुए। जय श्री माता जी। मैं शुरू कर रहा हूँ।
1, 2, 3, 4.
Thank you.
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 राग अपने आप में बहुत विकट है, जो बज गया वो श्री माता जी ने बजवाया, हमें तो कुछ आता नहीं है। और इसके बाद अभी का एक और बहुत अच्छा राग है, बहुत खूबसूरत राग, भीमपलासी, मैं कोशिश करता हूँ।
Thank you.
लास्ट में 10 मिनट है अपने पास, तो एक बनारस की चीज सुनाते हैं आपको।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आए। जय श्री माता जी, धन्यवाद।